जब भी आपके पास, मैंने ये कहा था कि अगर तो वन वेरिएबल का डाटा है, वन टाइप का एक ही वेरिएबल है, तो हम बार चार्ट या हिस्टोग्राम डिजाइन करेंगे। अगर हमारे पास मोर देन वन टाइप्स हैं तो फिर हम स्कैटर प्लॉट को यूज करेंगे। स्कैटर प्लॉट होता है वो हमें ये बताता है कि कितना डाटा जो है वो सेपरेट स्प्रेड आउट है किसी डोमेन के अंदर। अब स्कैटर प्लॉट कैसे डिजाइन करेंगे? स्कैटर प्लॉट वैसे डिजाइन करते होते हैं जैसे एक ग्राफ पेपर पे हम करते थे कि एक साइड पे हम हॉरिजॉन्टल बना लेते थे और साथ उसके वर्टिकल बना लेते थे, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते थे। तो स्कैटर प्लॉट हैज पॉइंट्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। ये टू डायमेंशन स्कैटर प्लॉट है। टू डायमेंशन में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप शो करेगा। इट मीन स्कैटर प्लॉट अगर टू डायमेंशन में है वो सिर्फ आपके दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करेगा। अगर आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, आपके पास चार एट्रीब्यूट्स हैं, उस केस में हम सारे एट्रीब्यूट्स को टू डायमेंशन में प्लॉट नहीं कर सकते। फिर आगे उसके डिफरेंट वेज हैं कि हम या तो टू टू एट्रीब्यूट्स के सेट्स बना लें कि पहले एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप देखें, फिर सेपरेट पहले एट्रीब्यूट का थर्ड एट्रीब्यूट के साथ देख लें, फिर पहले एट्रीब्यूट का फोर्थ एट्रीब्यूट के साथ देख लें, फिर सेकंड का थर्ड के साथ देख लें, सेकंड को फोर्थ के साथ देख लें। यानी टू डायमेंशन में प्लॉट करके हम सारे एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशनशिप देखें, एक तो ये होता है। या इसको हम हायर डायमेंशन पे ले जाते हैं, हम अगर तीन एट्रीब्यूट्स हैं तो थ्री डायमेंशन पे ले जाएं, अगर फोर एट्रीब्यूट्स हैं तो फोर डायमेंशन पे ले जाएं, अगर फाइव एट्रीब्यूट्स हैं तो फिफ्थ फाइव डायमेंशन में ले जाएं। लेकिन अगर थ्री एट्रीब्यूट्स तक तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं पेज के ऊपर, लेकिन थ्री एट्रीब्यूट से ज्यादा हो तो फिर हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते इस तरह एक पेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन के ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो जितनी डायमेंशन भी हो उसको हमें विजुअलाइज करके डाटा हमें डिफरेंट वेज में शो कर देता है। अब जब हम स्कैटर प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे डाटा के स्कैटर प्लॉट में शो करने के रीजन क्या है, हमने ये देखना है कि डाटा कितना स्प्रेड आउट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये क्योंकि ये एक ही टाइप का ब्लू कलर से शो हुआ है तो सारा डाटा वेल सेपरेटेड है, इट मीन ओवरलैपिंग नहीं है। दूसरा हमने इससे ये अंदाजा लगाना है कि इसकी कोरिलेशन की आपस के इन दोनों डाटा की, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की आपस में कोरिलेशन क्या है, वो भी हमने आइडेंटिफाई करनी है इसी स्कैटर प्लॉट से, वो भी हम देख लेते हैं। अब सपोज हमारे पास हुई टेम्परेचर की एग्जांपल थी, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने आइसक्रीम की सेल्स देखनी थी। ये डाटा हमारे पास लास्ट 12 डेज का गिवन है। जब इसको हम स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करते हैं तो इस टाइप का डाटा हमें प्लॉट हो गया। अब इससे हमने कंक्लूड क्या करना है, हमने इट्स नाउ इजी टू सी दैट वार्मर वेदर लीड्स टू मोर सेल्स। अगर जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उतनी सेल इंक्रीज हो रही है। इस स्कैटर प्लॉट से हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लाइक लास्ट टेम्परेचर 25 पे है तकरीबन, तो उसकी जो सेल है वो तकरीबन 600 प्लस पे चली गई है। जैसे टेम्परेचर 22 पे गया उसकी सेल इंक्रीज होगी, 23 पे गया उसकी सेल इंक्रीज होगी। तो इट मीन क्योंकि हमने जब क्लासिफायर को या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को डाटा प्रोवाइड करना है, हमें ये तो पहले पता होना कि हम हमारे पास जो डाटा है उसकी नेचर क्या है, वो किस टाइप का डाटा है, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव कोरिलेटेड है, नेगेटिव कोरिलेटेड है, या उनकी आपस में कोरिलेशन ही नहीं बन रही कोई। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसी की बेस पे हमने आगे क्लासिफायर को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी सेल भी इंक्रीज हो रही है। इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे कि अगर एक एट्रीब्यूट उसको इंक्रीज करेंगे तो दूसरा एट्रीब्यूट भी इंक्रीज होता जाएगा। इसको आगे जाके देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो अब हमने ये देखना है कि इसको फिट कैसे करेंगे डाटा को, यानी कोई एक लाइन पे कैसे इसको फिट करें, एक लाइन लगानी है हमने।
जहाँ पे हम ये देखें कि ये एक जो हम ये शो करेगा कि क्या किस किस वे में इंक्रीज हो रही है, क्या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज हो रहा है या किस किस वे में इसका जो इंक्रीज है वो किस वे में हो रहा है। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। वी कैन आल्सो ड्रा अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट या जिसको हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं ऑन स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी हमने ये भी देखना भी, और लाइन ड्रॉ करने का करने की इक्वेशन क्या होगी जैसे हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे ये भी अभी हम देखते हैं। इसको ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ नहीं कर देनी हमने, इसकी कोई ना कोई रीजन है कि यहाँ पे हमने इस फॉर्म में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। लाइन कैसे ड्रॉ होगी ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। टू ट्राई टू हैव ऑल एज दिस लाइन एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑल पॉइंट्स, ये हमें मेजर इसमें देखना है कि जो भी लाइन हमने ड्रॉ करनी है उस वो इस तरह की ड्रॉ हो कि ये सारे पॉइंट्स उसके क्लोज क्लोज आ जाए। ये हमारा बेसिक पर्पस है। तो अब लाइन कैसे ड्रॉ होगी उसको हम देखते हैं आगे। लाइन एज पॉसिबल एज टू ऑल द पॉइंट्स एंड एज मैनी पॉइंट्स अबव द लाइन एज बिलो, अगर उससे जितने पॉइंट्स उससे ऊपर है उतने अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है 100% सेम हो, अप्रोक्सीमेटली उतने पॉइंट्स उससे लाइन से नीचे होने चाहिए। अब उसके लिए हम कैसे लाइन ड्रा करेंगे या कैसे फिट करेंगे उसके लिए आगे हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। ये डिफरेंट डाटा है, डिफरेंट सी लेवल का, तो डिफरेंट डाटा प्लॉट वो है, तो टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये एक लाइन फिट हुई है, लाइन पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जितने पॉइंट्स ऊपर हैं उतने पॉइंट्स नीचे शो हो रहे हैं, और तकरीबन ये लाइन दरमियान में आ रही है कि तकरीबन सारे पॉइंट्स उसके क्लोज क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये देखना होता है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ये आपको रिसर्च पेपर्स में मैक्सिमम टाइम इंटरपोलेशन की टर्म यूज मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है, आज हमें देखना है कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या होगा, और एक्सट्रापोलेशन भी समटाइम हमें यूज करनी पड़ती है। इंटरपोलेशन इज द पॉइंट वेयर वी फाइंड अ वैल्यू इनसाइड आवर सेट ऑफ द डाटा पॉइंट्स। जो भी हमारे डाटा पॉइंट्स गिवन है उसके अगर अंदर हम कोई इनसाइड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मीन बाय इंटरपोलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ था, हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखेंगे उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास वो डाटा गिवन है जो 10 तकरीबन टेम्परेचर था हमारे पास कोई 11 से लेके 25 तक डाटा गिवन था टेम्परेचर। तो इंटरपोलेट मीन अगर हम कोई ऐसा ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो हमारे डाटा सेट के अंदर गिवन है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज किया है कि हमने ये देखना है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्स कितनी होगी, तो हम वो हमारे पास तकरीबन सपोज 490 या 480 डॉलर होगी। तो इट मीन ये 480 डॉलर जो है ये हमारे उस होल डाटा सेट के अंदर गिवन है, उसी रेंज के अंदर है, तो ये हमारी इंटरपोलेशन होगी। एक्सट्रापोलेशन क्या होगी कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें दैट इज आउटसाइड आवर सेट ऑफ द डाटा पॉइंट, जो हमारे डाटा पॉइंट से आउटसाइड हो, उसको हम एक्सट्रापोलेट कहते हैं। सपोज हमारे पास 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास हमें दे रहा है 740 डॉलर। तो क्या ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे, जो डाटा गिवन था, उसके अंदर रेंज थी या नहीं थी? नहीं थी हमारे पास, क्योंकि तो हमारे पास जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, और जो हमारे पास मैक्सिमम सेल आ रही थी वो 610 या 620 तक थी। तो अगर हम इस रेंज से आउटसाइड जाना चाहते हैं तो फिर हमें एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है, यानी पिछले डाटा को ही यूज करके तो हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है जैसे हम डाटा को कैलकुलेट करेंगे। तो ये टू टर्म्स हमें मोस्टली यूज करनी पड़ती हैं, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अब हमने ये देखना है कि जो हमने ये लाइन लगाई है, ये लाइन लगाएंगे कैसे, ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई है येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, ये कैसे लगाएंगे? तो वो हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में हमने स्टडी किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन होते हैं
तो हम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक इक्वेशंस के थ्रू। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये गिवन आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये शायद याद आ जाए आपको मैथमेटिक्स में जब हमने फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ा था। अब हम आज इसकी ना इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसमें y क्या होगा, इसमें m क्या होगा, इसमें x क्या होगा, इसमें b क्या होगा, क्योंकि हमने भी आगे लाइंस ड्रा करनी है। तो इसमें हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है, m इज द स्लोप और ग्रेडियंट। अगेन जो ग्रेडियंट है ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होगा, ये काइंडली किसी के भाई कौन होता है। स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस बी। ये इक्वेशंस मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जितने रिसर्च पेपर हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन के रेलिवेंट, उन सब में इसी तरह की इक्वेशंस लिखी होती हैं, और हमें वहां पे ना ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करके वो हमें ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं। तो अगर हमें ये इन वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो तब हम जाके ऑप्टिमाइज करेंगे, अदरवाइज तो हम फिर जैसे इक्वेशन लिखी होती है वैसे ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ी सी उस मैथ की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे, जो m होता है वो तो स्लोप है, कि हम किसी भी चीज को उसको x एक्सिस से कितना अप कर रहे हैं, दैट हमें शो करेगा कितनी उसकी स्लोप है। बी क्या होगा, बी वो पॉइंट होता है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वो वाई को कहां पे इंटरसेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफिकली में आप देख सकते हैं कि जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो बी इस पॉइंट पे आके ये लाइन क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को। इट मीन जो बी है दैट इज वन, ये इस केस में वन होगा। एक्स क्या होगा, x हमें ये शो करेगा कि वो कितना हाउ फार अलॉन्ग x एक्सिस या कितना उसका डिस्टेंस है या कितनी उसकी लंबाई है, और y हमें ये शो करेगा कि इसकी हाइट कितनी है, ये ऊपर अप कितना दिया हुआ है, ये हमें हाई शो करेगा y शो करेगा। इसमें फोर वेरिएबल्स हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो इसमें m इज द स्लोप। अब हम ये भी देखेंगे स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट होगा और वो हमें ये शो करेगा कि कितना वो हाउ फार अलॉन्ग x एक्सिस के है, y हमें ये शो करेगा उसकी हाइट कितनी है, अप कितना है वो, और बी हमें ये शो करेगा कि वो इंटरसेप्ट y को इंटरसेप्ट कब करे, कहां पे करेगा, जब x की वैल्यू जीरो होगी। अब हमने ये देखना है कि हम m कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्लोप होती है, स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब चेंज इन y क्या होगा कि हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है इस x एक्सिस के अंदर, सपोज हम यहां पे लगाते हैं कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट है यहां पे लगा लेते हैं, तो इस ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी हम देखेंगे, ये सपोज 2.5 आ गया जी, और ये हम इसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे भी देखेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है ये 6। तो इसका मतलब है ये जो ये यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा इस टू डायमेंशन प्लॉट के अंदर, उसके अंदर टू वैल्यूज होंगी, एक एक्स एक्सिस की 2.5, 6, ये हमारे पास, और दूसरा पॉइंट अगर सपोज यहां पे हम लेते हैं
यहाँ पे ले लेते हैं जी, तो ये x एक्सिस पे देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है जी, वन, और y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है ये, थ्री पे। तो वन कॉमा थ्री, ये एक पॉइंट बन गया। तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन ड्रा करनी है या स्लोप ड्रा करनी है। तो ये हम इस पॉइंट को सपोज एक्स वन एक्स ले लेते हैं, इसको सपोज अगर वाई ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। अब हमने जो स्लोप देखनी है, स्लोप एम इज इक्वल टू चेंज इन वाई, जिसको हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, कि एक्स के अंदर कितना चेंज है। तो वाई के अंदर चेंज क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, तो हम कह सकते हैं जी कि सिक्स माइनस थ्री, और चेंज इन वाई क्या है, टू पॉइंट फाइव माइनस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टू डिवाइडेड बाय सपोज 1.5 के। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी जो हमें स्लोप शो करेगी कि वो स्टीप कितना है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जा रहा है वो, किस एंगल पे जा रहा है, तो उससे हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, 6 माइनस 3 3 आंसर आएगा सर ऊपर, सॉरी ये असल में लिखने में इशू है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा, अरे ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हम इस तरह ना उसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमें स्लोप बताएगा क्या, स्लोप हमें ये बताता है कि उसकी वाई में कितना चेंज है और एक्स में कितना चेंज आ रहा है। हम इसको यूज करके हम उसकी स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, और जब हम स्लोप सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है कि उसकी y एक्सिस पे वैल्यू 2 आ गया, y x पे 1 है, तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 आ गई। और ये इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, ये इंटरसेप्ट कर रहा है जब x की वैल्यू 0 थी तो 1 पे कर रहा है, इसका मतलब b हमारे पास 1 आ गया। तो जब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास m इस केस में 2 आ गया जी, तो हमें हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बन जाएगी दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी लाइन ऑफ इक्वेशन की। अब हम एक्स पॉइंट पुट करेंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वहां पे हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी एक्स हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इट मीन जब 1 होगा यहाँ पे x 1 है, तो इट मीन ये जो लाइन है ये हमें जानी चाहिए, थ्री पे। तो ये एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे हम। इसी तरह मैं कहता हूँ जी हमारे पास x अगर 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन को यूज करके 2 टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5। तो हम एक पॉइंट ड्रा कर देंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, x 2 है, तो ये y को क्रॉस करेगा यहाँ पे, ये 4 है, ये 5 यहाँ पे जाके, तो इस पॉइंट पे जाके इसको इस लाइन को आगे ऐसे मूव करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स हम लगा लेते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज पे, और फिर हम उनको कंबाइन कर देते हैं जिससे हमारी एक लाइन ऑफ इक्वेशन ड्रा हो जाती है। सर ये लाइन ड्रा करने के भी बिल्ट इन फंक्शंस बने होते हैं? अगेन हमें बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, लेकिन जब हम आगे चाहेंगे ना कि हम किसी क्लासिफायर के अंदर इस लाइन को चेंज करें, फिर हमें डाटा पॉइंट्स के हिसाब से हमें इक्वेशन फंक्शन बना बनाया मिलेगा, लेकिन हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन डिस्कस करेंगे उसमें सारे यही मैथमेटिक्स हम दोबारा ड्रा करेंगे, पहले हम लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसको पॉइंट्स हम करीब करीब देखेंगे कितने कितने दूर है,
फिर हम उस लाइन से हम देखेंगे जो पॉइंट्स दूर है उनका डेविएशन कितना है, वेरियंस कितना है, वो कैलकुलेट करके फिर उस लाइन को हम आगे पीछे मूव करेंगे। तो अगर हम क्लासिफायर के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमें ये मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो पीएचडी के स्टूडेंट जो हैं वो उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी है तो थोड़ा सा मैथमेटिक मॉडल हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग मॉडल होता है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, तो अगेन हमें वहां पे इस जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स की स्लोप्स होती हैं, एक पॉजिटिव दैट इज अनदर वन इज नेगेटिव और थर्ड वन इज जीरो। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप में वही है कि वो अप जा रहा है, जैसा ये साइकिल वाला ऊपर अप की तरफ जा रहा है, एक डाउन जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप होगी, और जीरो है तो अगर बिल्कुल स्लोप नहीं है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उस केस में जो उसकी स्लोप होगी वो जीरो आएगी। वर्टिकल केस में क्या आएगी वैसे, अगर बिल्कुल ऊपर जा रहा स्ट्रेट? सर मैं सब फिर भी जीरो आएगी। पॉजिटिव सर। हाँ जी देखिए उस केस में देखिए जब आप जा रहा है तो इट मीन वहां पे आपका सपोज जो एक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एक्स क्या होगा आपका? इन्फिनिटी होगी सर। हाँ यहाँ पे देखिए ये अगर ये केस आता है वर्टिकल लाइन का तो इस केस में जो एक्स है वो बिल्कुल अनडिफाइंड है, तो हम वर्टिकल ऊपर तो मूव कर रहे हैं लेकिन उसका जो एक्स होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, तो अनडिफाइंड वर्ड है उस केस में। तो हम राइज डिवाइडेड बाय रन इस केस में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने इसको देखना है। अब हम जाते हैं दोबारा वापस स्कैटर प्लॉट वाले पे। यहाँ पे हम अब डायरेक्ट स्लोप कैलकुलेट करनी है कि हमने टू पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे, कोई भी टू पॉइंट्स लेने हैं, लेट्स टू पॉइंट्स ऑन द लाइन नियर एक्चुअल वैल्यूज। हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और 180 उसकी सेल है, अदर पॉइंट हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 610 उसकी सेल है। तो इसमें हमने चेंज देखना है स्लोप कितनी उसकी। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेट किया तो चेंज इन वाई इट मीन 610 माइनस 180 डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 33 राउंड आ जाता है। तो नाउ द स्लोप पुट द स्लोप एंड द पॉइंट इनटू द स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 33x माइनस 216। अब इसको यूज करके हमने आगे इंटरपोलेट करना है या एक्सट्रापोलेट करना है, तो लाइन ऑफ इक्वेशन हमारे पास आएगी तो तब हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी अगर हमें गिवन है, x हमारे पास हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी सेल कितनी होगी, ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हमारे पास बनी हुई होगी तो तब इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर हमारे पास ये इक्वेशन डिजाइन हो गई है तो आपका जो क्लासिफायर होता है या क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होता है उसने एट द एंड इस टाइप की इक्वेशन डिजाइन करनी होती है। फिर हम कोई भी अननोन डाटा देते हैं तो वो उसके अंदर पुट करते हैं, उससे हम उसकी आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमें सपोज इस केस में 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी सेल देखनी है तो 33 × 21 माइनस 216 करेंगे तो वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा 477। इट मीन जो y की वैल्यू होगी वो 477 की सेल होगी अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही प्रेडिक्शन है जो हम कहते हैं ना कि हमने प्रेडिक्शन करनी है, तो प्रेडिक्शन किस बेस पे करेंगे? हमारे पास कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन होता है, उस मैथमेटिकल मॉडल में एक हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी बेस पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सट्रापोलेशन भी कर सकते हैं कि सपोज 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑलरेडी हमारे डाटा में गिवन नहीं था तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 741 हमें वो बता रहा है कि इतनी सेल होगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रापोलेशन जो होती है वो इतना सूटेबल नहीं होती। किन केसेस में? जहाँ पे थोड़े से हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें आ जाए या एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम या कोई फीचर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अगर सपोज कोई ऐसा केस आ जाए जिस तरह
आजकल कराची में आ जाता होता है कि जी बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी सम टाइम, तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हीट स्टोक अगर हो तो उस केस में लोग आउटसाइड निकलते ही नहीं है, तो आपकी सेल डाउन भी जा सकती है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रापोलेशन होती है वो आपको ट्रू पिक्चर रिटर्न नहीं करती, जो इंटरपोलेशन होती है वो आपको ट्रू पिक्चर रिटर्न कर सकता है। तो अगेन यहाँ पे आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट देखना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो हर जगह सूटेबल होगी, हर जगह सूटेबल नहीं होती, क्योंकि वो हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उस रेंज में हम नहीं देख रहे होते हैं, हम उस रेंज से आउटसाइड देख रहे होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी फिर ऐड हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो होते हैं वो हमारी प्रेडिक्शन को फिर रॉन्ग भी शो कर सकते हैं।